हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बोंग तड़का रेसिपी। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल काजू पनीर मसाला। इनफैक्ट ये जो काजू पनीर मसाला है, ये रेस्टोरेंट में जो आपने कभी खाया होगा उससे भी कहीं ज्यादा टेस्टी बनता है और इसको बनाना बेहद ही आसान होता है। तो चलिए देख लेते हैं ये सुपर डिलीशियस सुपर टेस्टी काजू पनीर मसाला हम किस तरह से बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए लहसुन यानी गार्लिक 4 to 5 cloves, प्याज यानी ऑनियन 2 medium size, अदरक यानी जिंजर 1 inch। 1 to 1.5 medium size प्याज को फाइनली चॉप कर लेंगे। कटे हुए प्याज का क्वांटिटी लगभग 1 cup होना चाहिए। 1 टमाटर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। 2 handful कैशूज यानी काजू को हाफ्स में काट लेंगे। पनीर के अलावा मेनली हमें चाहिए प्याज, टमाटर और काजू। 1 बर्तन में पानी उबालेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 handful काजू और 1/2 cup कटे हुए प्याज। 2 मिनट बाद उबाल आ जाने पे काजू और प्याज को निकाल कर स्ट्रेन कर लेंगे। उबाला हुआ प्याज और काजू को अलग कर लेंगे। उबाला हुआ प्याज, 1 inch अदरक और 5 garlic cloves को ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। जिंजर गार्लिक एंड ऑनियन पेस्ट बनाने में हम अलग से पानी ऐड नहीं करेंगे। अब हम बॉइल्ड काजू का पेस्ट बनाएंगे, जिसमें 1 handful काजू के साथ 2 चम्मच दही और 1 हरी मिर्च भी डालेंगे। इसे भी ग्राइंड करते टाइम पानी ऐड नहीं करेंगे और पेस्ट को एकदम फाइन बनाएंगे। पनीर क्यूब्स को हल्दी पाउडर और नमक के साथ मिला लेंगे और पनीर फ्राई करने के लिए एक पैन या कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल या घी गरम कर लेंगे। पनीर तेल में डालने से पहले 1 चुटकी हल्दी पाउडर तेल में डालेंगे, इससे पनीर डालते समय गरम तेल बाहर नहीं निकलेगा। पनीर मीडियम आंच में फ्राई करेंगे। पनीर का कलर गोल्डन हो जाए तो निकाल लेंगे। पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इससे पनीर कड़क हो जाता है। एक और टिप, फ्राइड पनीर को ठंडा पानी में रखेंगे, इससे पनीर सॉफ्ट रहता है। जिस तेल में हमने पनीर फ्राई किए थे उसी में 1 सूखी लाल मिर्च, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची, 5-6 काली मिर्च और 1 तेज पत्ती का तड़का लगाएंगे। अभी 1 handful काजू फ्राई कर लेंगे। बचे हुए तेल में बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। स्टरिंग करते हुए फ्राई करेंगे। अभी ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड टोमेटोस। हमने जो अदरक लहसुन और प्याज का फाइन पेस्ट बनाए थे वो भी ऐड कर देंगे। स्टरिंग करते हुए मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट पकाएंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे काजू और दही से बनाया हुआ पेस्ट। मसाले और पेस्ट को अच्छे से मिला लेंगे। हम इसे बच्चों को भी सर्व करेंगे, इसलिए हमने ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं किया है। आप अगर रेस्टोरेंट जैसा कलर लाना चाहते हो तो फूड कलर स्टॉक कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हो। हमारा ग्रेवी का बेस बन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राइड पनीर विद वाटर। 2 मिनट मीडियम आंच में पनीर और मसाले को मिक्स करते हुए पकाएंगे। तकरीबन 1 ग्लास गर्म पानी ऐड करेंगे। फ्लेम को लो में सेट कर देंगे और कढ़ाई को कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तकरीबन 5 मिनट हो चुका है। अब 1 स्पून कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर देंगे। अब ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें फ्राइड काजू डाल देंगे। ग्रेवी का टेक्सचर और टेस्ट दोनों निकल के आ गया है। अब क्रीम ऐड करने की बारी। 1 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करके थोड़ा मिला लेंगे।
तो लो जी, हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल काजू पनीर मसाला इज फाइनली रेडी। आजकल लोग इसे शाही काजू पनीर मसाला भी कह रहे हैं। इसे सर्व करेंगे रोटी, नान या पराठे के साथ। गाइस, कैसा लगा हमारा ये रेसिपी? थैंक यू फॉर योर सब्सक्रिप्शन। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें।